हांसी पुलिस की काफ़ी दिनों से लगातार रेड जारी है। हांसी पुलिस लोगों के बीच में जाकर उनको नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है और पुलिस को मिल रही लगातार सूचना से पुलिस ने उन इलाकों में रेड की। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि हम उन इलाकों में लगातार रेड कर रहे हैं जहां पर नशे की बिक्री की सूचनाएं हमें लगातार मिल रही है। हम लोगों को समझा रहे हैं कि नशे से दूरी बना कर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। साथियों, आज हम खड़े हैं बरवाला रोड के नेहरू कॉलेज के पास, जहां हांसी के इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने भारी पुलिस बल लेके एक बहुत बड़ी रेड की है। आइए जानते हैं उन्हीं से इस रेड के पीछे उनका मकसद क्या है। आइए उन्हीं से जानते हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत कुछ जगह जगह गली गलियों में जाकर उनके देख रेख में करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बारे में प्रबंध किया गया। अच्छा, लोगों को समझाया गया है नशा मुक्ति गंदा नशा है, इसको दूर कर अवॉइड करें। आज नशा मुक्ति के लिए रेड मारी गई। हाँ जी, नशा मुक्ति के लिए इनको आगा गया। इनको कितने दिनों से चल रही है सर रेड? सर 4-5 एक हफ्ता करीब हो गया। अच्छा, चलता रहेगा, कंटिन्यू चलती रहेगी। कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ठीक है सर, थैंक यू सर। लागे जैसे आदेश होंगे उसी के मुताबिक रेड चलती रहेगी। अच्छा, आज भी एसपी पुलिस अधीक्षक का सी के आदेश अनुसार ये काम किया जा रहा है। तो सर वो कहाँ कहाँ मतलब जाने का विचार है आपका? ये ऑटो मार्केट जाए और जगदीश कॉलोनी, ये समाधान जहाँ जहाँ भी पुलिस का शक है उन एरियो में जाने लगे। समाधान मंदिर वाली साइड भी सर ज्यादा सही होगी, वहाँ ज्यादा तो वहीं भी रेड करते हैं, काफी बार करते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। आदेश अफसर वाला जो होंगे वैसे उनके अनुसार कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू।